नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। युवा बेरोजगारों को नए साल का तोहफा देगी मोदी सरकार। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस साल के अंत तक देश के बेरोजगारों को एक बड़ा तोहफा दे सकती है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इस साल दिसंबर तक राष्ट्रीय रोजगार नीति का ड्राफ्ट तैयार कर सकता है। यह 4 श्रम संहिताओं को लागू करने और प्रवासी मजदूरों सहित 4 प्रमुख सर्वेक्षणों को पूरा करने के बाद अंतिम रूप ले पाएगा। यह ड्राफ्ट देश में नौकरी के अवसरों में सुधार में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। इससे आसमान में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। रांची के मौसम वैज्ञानिक ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि मकर संक्रांति के अवसर पर कुहासा रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 12 जनवरी से मौसम में बदलाव की संभावना है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे। राज्य में कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। इससे तापमान में कमी आ सकती है। 13 व 14 जनवरी को कुहासा रहने की संभावना है। कांग्रेस के सदस्यता अभियान की शुरुआत, 15 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से 10 महीने के बाद फिर से सदस्यता अभियान की शुरुआत मंगलवार को रामगढ़ से होगी। बता दें, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव 12 जनवरी को रामगढ़ में सदस्यता इसकी शुरुआत करेंगे। प्रदेश कांग्रेस के सदस्यता अभियान के प्रभारी आलोक कुमार दुबे ने बताया कि कोरोना संक्रमण के फैलाव के पहले रांची, बोकारो, चाईबसा, गुमला, चतरा व देवघर में कार्यक्रम आयोजित कर सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई थी। जेटेट परीक्षा नियमावली 2019 में बदलाव। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट नियमावली 2019 में बदलाव होगा। बता दें, उर्दू की परीक्षा अब संस्कृत व अंग्रेजी के अंकों के बराबर होगी। वहीं स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। वर्ष 2019 में तैयार की गई नियमावली में कक्षा 6 से 8 तक में शिक्षक नियुक्ति के लिए ली जाने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा में अंकों के निर्धारण में एकरूपता नहीं थी। कक्षा 6 से 8 तक में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान व भाषा विषय में शिक्षक नियुक्ति के लिए परीक्षा ली जाती है। बता दें, कुल 250 अंकों की परीक्षा लेने का प्रावधान है। इसके तहत 150 अंकों की परीक्षा वैकल्पिक विषय की व 100 अंकों की परीक्षा अनिवार्य विषय के रूप में ली जाएगी। झारखंड में चील, कौआ, कबूतर की मौत से बर्ड फ्लू का बढ़ा खौफ। देश भर में बर्ड फ्लू के बढ़ते मामले के बीच झारखंड में भी विभिन्न जिलों से सैंपल कलेक्शन और जांच की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बता दें, इस कड़ी में शनिवार को 18 जिलों के पशुपालन पदाधिकारियों और पशु चिकित्सकों की रांची के काके स्थित पशु स्वास्थ्य एवं उत्पाद संस्थान में बैठक हुई। पशु चिकित्सकों द्वारा लाए गए 1072 नमूनों को भी संस्थान में जमा किया गया। इन नमूनों को सोमवार को कोलकाता स्थित लैब में भेजा जाएगा। जिला पशुपालन पदाधिकारी और चिकित्सकों की बैठक में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। बर्ड फ्लू से जुड़े मामले के लिए बनाए गए नोडल पदाधिकारी आलोक कुमार सिंह ने झारखंड में फिलहाल स्थिति को सामान्य बताया है। दही खाओ इनाम पाओ के लिए इन नंबरों पर करें कॉल। झारखंड राज्य दुग्ध उत्पादक सहकारी महासंघ के मेधा द्वारा ग्राहकों के लिए मेधा दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता की घोषणा शनिवार को की गई। इस प्रतियोगिता की घोषणा करते हुए मेधा के MD सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि प्रतिभागियों को निर्धारित 3 मिनट के अंदर दही खाने का मौका दिया जाएगा। जो प्रतिभागी निर्धारित समय में सबसे अधिक दही खा सकेगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। बता दें, अब प्रतियोगिता 19 जनवरी को मेधा डेयरी होटवार रांची में सुबह 11 बजे से आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 7544-34-49, 73-635-223 पर संपर्क कर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर रविवार को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। बता दें, इस मौके पर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निदेशक विनोद शर्मा के निर्देश पर एयरपोर्ट पर आने जाने वाले यात्रियों को हिंदी की किताबें बांटी गई। यात्रियों को हिंदी के प्रति जागरूक किया गया। उन्हें बताया गया कि हिंदी दुनिया की सबसे आसान और अच्छी भाषा है, इसलिए आपस में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा में ही बातचीत करें। दुमका एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की बैठक रविवार को आउटडोर स्टेडियम दुमका में जिला उप संयोजक संतोष कुमार पंडित की अध्यक्षता में हुई। बता दें, बैठक को संबोधित करते हुए राज्य कमेटी के मोहन मंडल ने कहा कि चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सार्वजनिक मंचों से 3 माह के अंदर पारा शिक्षकों का स्थायीकरण और वेतनमान देने का वादा किया था, लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार पारा शिक्षकों के विषय में कुछ नहीं सोच रही। प्रतिदिन पारा शिक्षकों की मौत आर्थिक तंगी, दुर्घटना और गंभीर बीमारियों की वजह से हो रही है।
लेकिन उनके परिवार को सरकार के द्वारा कोई सहायता नहीं दिया जाना चिंता का विषय है। झारखंड में 145 नए मरीज मिले हैं, जो रांची से 86, बोकारो 7, देवघर 1, धनबाद 7, दुमका 1, पूर्वी सिंहभूम 23, गढ़वा 1, गिरिडीह 1, गुमला 5, जामताड़ा 1, कोडरमा 1, लातेहार 2, पलामू 6, रामगढ़ 1, सिमडेगा 1, पश्चिमी सिंहभूम से 1 मरीज मिले हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 116,817 है, जबकि 114,302 मरीज स्वस्थ हुए और 1,047 की मृत्यु हो गई। राज्य में 2 लोगों की मौत हुई है, जो धनबाद और पलामू से 1-1 मरीज की मौत हुई है। भारत में नए केस 16,085 मिले हैं। भारत में कुल मौत की संख्या 151,198 है। वहीं भारत में एक्टिव केस 219,788 है। झारखंड का एक्टिव केस 1468 है। शिक्षा मंत्री जल्द स्वस्थ होकर झारखंड लौटेंगे। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि वे जल्द स्वस्थ होकर चेन्नई से झारखंड लौटेंगे। उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। आदिम जनजाति बिरहोर की घटती आबादी से चिंतित सरकार। आदिम जनजाति बिरहोर की घटती संख्या को लेकर झारखंड सरकार चिंतित दिख रही है। बता दें, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट और रिम्स मिलकर उन कारणों को जानने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से बिरहोर की आबादी अब मात्र कुछ हज़ार ही बची है। झारखंड में आदिम जनजाति बिरहोर की जनसंख्या 10,000 के लगभग शेष रह गई है। सरकार उन वजहों की तलाश करने जा रही है, जिसके चलते यह लगातार घटते जा रहे हैं। झारखंड के बुढ़ा पहाड़ पर नक्सली ले रहे हैं ट्रेनिंग। लातेहार, गढ़वा व छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बुढ़ा पहाड़, चाईबासा और सरायकेला में तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के नक्सली ट्रेनिंग ले रहे हैं। वहीं चाईबासा में 30 बच्चों की टीम को नक्सली आईडी बनाने की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसकी जानकारी विशेष शाखा के एडीजी मुरारी लाल मीना को 28 दिसंबर 2000 को मिली थी। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों को दी थी। रांची की दुष्कर्म पीड़िता को 4,00,000 रुपए का मुआवजा। रांची के जगन्नाथपुर इलाके के दुष्कर्म पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार डालसा मुआवजा के तौर पर 4,00,000 रुपए देगा। बता दें, अंतरिम राहत के तहत 1 माह में 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे। वही मुआवजे की राशि कमेटी तय करेगी। इसमें उपायुक्त, SSP, जिला विधिक सेवा प्राधिकार और सिविल सर्जन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। देवघर से 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार। देवघर जिले के साठ थाना अंतर्गत खरना रानीबाग गांव निवासी बासुकी महरा, परिमल महरा, कुंदन रजवार, रिंकू मेहरा और चंदन महाराज को साइबर क्राइम के आरोपी में गिरफ्तार किया गया है। SP अश्विनी कुमार सिन्हा के निर्देश पर साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर एक अभियान छेड़ रखा है, जिस कारण हर दिन देवघर जिले के विभिन्न थानों से लगातार साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है। शिबू सोरेन के जन्मदिन पर 3 पुस्तकों का लोकार्पण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 11 जनवरी को राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के जन्मदिन के अवसर पर उनके संघर्ष से जुड़े 3 पुस्तकों का लोकार्पण करेंगे। बता दें, अनुज कुमार सिन्हा ने इन 3 पुस्तकों को लिखा है। राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के जीवनी पर आधारित पुस्तकों में दिशोम गुरु, शिबू सोरेन ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन और सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन जी की गाथा शामिल है। झारखंड में 22 नक्सली उग्रवादी पुलिस रडार पर। झारखंड पुलिस ने राज्य में विभिन्न नक्सली संगठन के 22 नक्सलियों पर इनाम घोषित किया है। इन 22 नक्सलियों में सबसे अधिक 12 भाकपा माओवादी के हैं, जबकि 6 PLFI और 4 TPC के नक्सली शामिल हैं। बता दें, इन सभी नक्सलियों का झारखंड पुलिस ने फोटो जारी किया है और सूचना देने वालों को इनाम देने की घोषणा की है। यह सभी नक्सली झारखंड पुलिस के रडार पर हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि राज्य में सक्रिय अलग अलग संगठन के 153 नक्सली के ऊपर इनाम घोषित किया गया है। चाईबासा में PPE किट फर्जीवाड़ा करने वाला DPM नीरज बर्खास्त। कोरोना काल में पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा स्थित सदर अस्पताल में PPE किट की खरीद में फर्जीवाड़ा करने के दोषी पाए गए जिला कार्यक्रम प्रबंधक नीरज कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। बता दें, इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने आदेश जारी किया है। झारखंड में 16 जनवरी से शुरू हो रहा टीकाकरण अभियान। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर शुरू हो रही देशव्यापी टीकाकरण अभियान को लेकर झारखंड भी तैयार हो गया है। बता दें, झारखंड में भी 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण शुरू होगा। इसको लेकर राजधानी रांची के नामकुम स्थित RCH के वेयर हाउस में टीका के भंडारण को लेकर तैयारी की जा रही है। टीकाकरण अभियान के तहत राज्य में करीब 1 करोड़ लोग चिन्हित हुए हैं। बता दें कि झारखंड में सबसे पहले चरण में 1.5 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स और 2 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा।
स्वास्थ्य सचिव को पद मुक्त करने की मांग। सरकारी कर्मियों को लेकर स्वास्थ्य सचिव द्वारा दिए गए बयान को लेकर झारखंड आईएमए की रविवार को बैठक हुई। करमटोली स्थित आईएमए भवन में आयोजित बैठक में विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों ने बयान को लेकर विरोध दर्ज किया। बता दे, साथ ही निर्णय लिया गया कि 7 दिनों के अंदर सरकार स्वास्थ्य सचिव को पदमुक्त करे। बिहार मंत्री का दावा, झारखंड में सरकार गिर जाएगी। बिहार के कृषि उद्योग एवं गन्ना मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि झारखंड की वर्तमान सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, कुछ ही दिनों में यह सरकार गिर जाएगी, क्योंकि इस सरकार से न तो जनता खुश है न ही गठबंधन में शामिल दलों के नेता व मंत्री। उन्होंने कहा कि गठबंधन दल के कई नेता मंत्रियों को लग रहा है कि अगर इसी दल के टिकट से इसके बाद के चुनाव में जनता के पास गए तो जीत नहीं पाएंगे। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से विद्यार्थियों को सार्थक मार्गदर्शन मिला, राज्यपाल। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस COVID-19 की चुनौती से प्रभावित है, शिक्षा जगत पर भी इसका गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान बंद होने के कारण विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। राज्यपाल रविवार को दुमका के सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर ऑनलाइन अभिभाषण में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि ऐसे विकट समय में शिक्षण संस्थानों ने ऑनलाइन क्लास के माध्यम से विद्यार्थियों का मार्गदर्शन देने का सार्थक कार्य किया। कक्षा 9वीं व 10वीं के छात्रों को भी फ्री किताब। राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 9वीं और 10वीं के छात्रों को भी इस वर्ष से निःशुल्क किताब दी जाएगी। बता दें, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में JCERT से प्रस्ताव मांगा है। विभाग इस प्रस्ताव को योजना विकास विभाग के पास भेजेगा। सरकार के स्तर से स्वीकृति मिलने के बाद छात्रों को किताबों का वितरण किया जाएगा। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दे। थैंक यू।